नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं सोने की ज्वेलरी को घर पे घरेलू तरीके से आसानी से कैसे चमका सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा और साथ ही साथ इसके टिप्स और ट्रिक्स के बारे में जानकारी भी दूंगा, तो हमारे साथ बने रहिए आप। ये देखिए, हमने कुछ सोने की ज्वेलरी को इकट्ठा कर रखी है। पहले हमने चैन ले लिया, चैन के बाद ये देखिए रिंग, लेडीज़ रिंग है, काफ़ी ब्लैक हो चुकी है, और ये मंगलसूत्र का पेंडेंट है। ये बैक के साइड से भी देखिए आप। इन ज्वेलरी को हम आज चमका के दिखाएंगे। हमें एक बॉल चाहिए, बॉल के बाद हमें गर्म पानी चाहिए। ये देखिए, हमने गर्म पानी उबलने के लिए रख दिया है। गर्म पानी हमारा उबल भी गया है, रेडी हो गया। गर्म पानी को हम बाउल में डालेंगे। उसके बाद हमें चाहिए हार्पिक, हार्पिक या ब्रूनो कुछ भी चाहिए जो क्लीनर होता है। ये देखिए, हार्पिक इसके अंदर हम डाल देंगे। फिर ज्वेलरी को, जो हमारी पुरानी ज्वेलरी है, इसमें हमें डालना है। डालने के बाद देखिए, आप खुद ब खुद देखिए, इसमें इसका जो है पीलापन जो है आना शुरू हो गया है। इसके बाद हमें सोडा पाउडर, सोडा जो होता है बेकिंग सोडा, हमें यूज करना है। कम से कम एक चम्मच हमें इसमें डालना ही डालना है। एक चम्मच डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह के मिला देंगे, इसको मिक्स कर देंगे इस तरीके से। 15 मिनट के लिए हमने छोड़ देना है इसको। आप देख सकते हो ज्वेलरी का जो गोल्ड का कलर है वो आना चालू हो गया है इसमें। अब हम 15 मिनट के बाद इसको देखते हैं, ये देखिए, और हम इसमें से ज्वेलरी निकाल लेंगे। चेन को निकाल लिया, देखिए इसका निखार आ चुका है, इसका जो सोने का कलर है शाइनिंग हमें वापस मिल गई इसमें। और हमें साफ पानी से इसको धो लेना है इस तरह से। इसकी शाइनिंग देखिए आ चुकी है वापस। और हम ज्वेलरी को निकाल लेते हैं, ये पेंडेंट है, पेंडेंट और रिंग। पहले आपने देखा होगा पेंडेंट रिंग वगैरह कितने हमारे काले काले से हो गए थे, लेकिन इनका जो है कलर है वापस आ चुका है। इसके बाद हमें करना क्या है, एक बॉल चाहिए, बड़ा बॉल। बॉल में हम पानी डाल लेंगे, करीब आधा बॉल पानी। उसके बाद हमें चाहिए शैम्पू पाउच, वॉश करने के लिए, इसको धोने के लिए। ये देखिए, हमने शैम्पू का पाउच ले लिया, कोई भी शैम्पू हो चलेगा, शैम्पू हम कोई भी ट्राई कर सकते हैं। इस तरीके से हम झाग बना लेंगे इसमें। ये हमारे काम आने वाला है धुलाई के लिए, यानी ये देखिए, हमें एक टूथब्रश भी चाहिए जिससे हम इसको धोएंगे, पॉलिश करेंगे। टूथब्रश को हमने डिप किया और इस तरह से हमें इसको ब्रशिंग करना है। और ब्रशिंग हमें हार्ड हाथों से नहीं करना है, सॉफ्ट हाथों से, क्योंकि हमारी गोल्ड ज्वेलरी काफ़ी नाजुक होती है, मुड़ने वगैरह का डर रहता है, तो इसकी वजह से हम प्रॉपर इसको ग्रिप बना के पकड़ेंगे और सॉफ्ट हाथों से इस तरह से हम इसको रगड़ेंगे, जैसे हम टीथ को पॉलिश करते हैं इस तरह से, आराम आराम से इस तरीके से हम ब्रश लगाएंगे इसको। ये देखिए, इसको पानी में डुबा के देख लिया। अभी देखिए, बैक के साइड से हम ब्रश लगाएंगे इसको, पीछे के साइड से भी लगाओगे तो जिसका जो भी मैल वगैरह है वो सब हट जाएगा, इसका मैल वगैरह सारा साफ हो जाने इसके। अब आप देख रहे होंगे, पहले के मुकाबले हमारे ज्वेलरी में काफ़ी शाइनिंग आ चुकी है। ये देखिए,
किसी तरह का कोई मीना वगैरह हटने का कोई डर नहीं होता, जैसे आपने देखा होगा, ये देखिए इसमें रिंग में मीने का काम था, तो मीना हो, स्टोन्स हो, कोई भी इसमें जैसे मीनाकारी काम है तो वो निकलता नहीं है, हटता नहीं है। साथ ही साथ इसमें हम किसी तेजाब वगैरह का कोई यूज़ नहीं करते, तो इसलिए वजन वगैरह भी लॉस होने का डर नहीं रहता है। आप अपनी पुरानी ज्वेलरी को घर पे ही चमका सकते हैं, कहीं किसी के पास, ज्वेलर्स के पास जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चैन को इस तरह से हम ग्रिप बनाएंगे, फोर फिंगर में, चार उंगलियों में ग्रिप बना के, और इस तरह से हम ब्रश लगाएंगे। ग्रिप बनाना बहुत ज़रूरी है चैन के लिए, नहीं तो चैन को हम अगर वैसे पॉलिश करेंगे तो चैन कहीं पे मुड़ने दबने का डर रहता है, तो इसलिए हम ग्रिप बना के रखेंगे। ग्रिप बना के इस तरह से हमें ब्रश लगाना है। सर्कल सेप में राउंड में घुमा के हमें इस तरह से ब्रश लगाना है। अब जितने अच्छे तरीके से ब्रश लगा दोगे उतनी अच्छी इसमें शाइनिंग आ जाएगी, अच्छी खासी शाइनिंग आ जाएगी इसमें। अब इसके बाद इसका निखार देखिए कितनी शाइनिंग आ गई हमारी, जो पुरानी चैन के मुकाबले देखिए इसमें कितनी अच्छी शाइनिंग आ चुकी है इसमें। अब हमारे ब्रशिंग का काम पूरा हो चुका है, अब हम इसको साफ पानी में धो लेंगे ताकि कोई केमिकल वगैरह इसमें ना रह गया हो। आप चाहें तो टूटी के नीचे भी धो सकते हैं प्रेशर के पानी से, ताकि केमिकल वगैरह इसमें जो हो क्लीन हो जाए। अब देखिए आप हमारी जो पुरानी ज्वेलरी थी और हमारी पॉलिशिंग वाली ज्वेलरी, वन बाय वन करके इसका कंपेयर कर लेते हैं। साथ ही साथ हमने पुरानी ज्वेलरी का स्क्रीनशॉट भी लगा दिया है वीडियो के साथ साथ, ताकि आप देख पाएँ कि हमारी पहले की ज्वेलरी कैसी थी और आपकी ज्वेलरी में देखिए कितना निखार आ चुका है, कितनी शाइनिंग आ चुकी है। हमारे स्टेप्स को आप भी घर पर आजमाएं और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।